नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रितेश शर्मा। बात की जाए इस समय कहीं ना कहीं उड़ता पंजाब हमने सुना था, बट अगर अब बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर सुनाई देगा कि आज इतना ड्रग्स कहीं से पकड़ा है, कहीं से इतनी हीरोइन पकड़ी है, और ये आपको लगातार सुनाई दे रहा है। ये भी हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो बखूबी अपना काम इस तरीके से कर रही है कि हम लोग नकेल कस रहे हैं ड्रग्स के ऊपर। पूरी जानकारी लेंगे कि आखिरकार कितनी नकेल कसी जा रही है और कितनी नहीं, इस सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ SSP विनय शर्मा मौजूद हैं। विनय जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जम्मू परिवर्तन के सारे श्रोता और जो देखने वाले हैं उनको मेरा नमस्ते। सर, किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि इस समय हम जब भी न्यूज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें यह सुनाई देता है कि आज सांबा में, आज कठुआ में, आज उधमपुर में, आज गांदरबल में इतना बोवाइन, माफ़ कीजिएगा, नारकोटिक्स पकड़ा गया, आज यहाँ पर इतना ड्रग्स पकड़ा गया। किस तरह से आप ये देखते हैं, कितनी नकेल जो है इस समय कसी जा रही है? मैं आपको मोटे पैमाने पे कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर जोग्राफिकली एक ऐसे इलाके में है जहाँ एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर और ईरान, जिसे हम कहते हैं गोल्डन क्रिसेंट जिसे कहते हैं, ये सबसे बड़ी पैदावार, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और स्मगलिंग पूरे वर्ल्ड की जो नारकोटिक्स की सप्लाई है वो इस एरिया से होती है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की लोकेशन ऐसी है कि हमारे ईस्ट में लाओस, कंबोडिया और बर्मा जैसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अगेन जो पॉपी है जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ पे होती है। तो आप ये देखेंगे कि हिंदुस्तान का ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो एज ट्रांजिट रूट इस्तेमाल होता है। हम यहाँ से ड्रग्स जो है जो पाकिस्तान के बॉर्डर से कश्मीर में एंटर करती है, वहाँ से जो बाकी हिस्सों में जानी होती है, जैसे बॉम्बे जो हम ड्रग्स ज़्यादातर पकड़ते हैं, वो जम्मू कश्मीर के लिए डेस्टाइन नहीं होती है, वो हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में जाने के लिए होती है। जैसे कोई बॉम्बे हो गया, सूरत हो गया, गुजरात और महाराष्ट्र, हमने ज़्यादातर उसकी डेस्टिनेशन देखी हैं और वहाँ से हमने जो पैटर्न स्टडी किया वो ये ड्रग्स उसके बाद या तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में चली जाती है, दुबई वगैरह वगैरह में चली जाती हैं, गल्फ में मोटे तौर पर इस्तेमाल करूँगा लफ्ज इस्तेमाल कर। तो आप जो भी हम नारकोटिक्स पकड़ते हैं उसका, जब हम बताते हैं हमने 51 किलो हीरोइन पकड़ ली, जो कि पिछले दिनों आपने देखा होगा बठिंडी में पकड़ी, या फिर 51 किलो हमने चरस पकड़ी है हाई ग्रेडेड, 32 किलो, 1200 किलो, आप बोलेंगे कि 4200 किलो का पूरे का पूरा ट्रक में नारकोटिक्स की खेप जा रही थी जिसमें पॉपी स्ट्रा था। तो ये पैटर्न और ट्रेंड जो है मैंने देखा, लोग इसको बड़ा एक इस तरह से लेके चलते हैं कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जबकि मैं आपको ये समझाऊंगा कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स की जो खेपे पकड़ने का जो चलन है वो बड़ा है, जम्मू कश्मीर इसकी डेस्टिनेशन नहीं होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कश्मीर में या जम्मू में ड्रग्स का प्रकोप कम है, हमारे यहाँ भी ड्रग्स का प्रकोप उतना ही भयंकर है जितना कि पंजाब में या बाकी स्टेट्स में है। वी नीड टू टेक दिस मैटर एज अ टॉप प्रायोरिटी, उस पर मैं आऊँगा उसके बाद। लेकिन जितने भी खेपे हमने पकड़ी, जितने भी बड़ी ट्रांजिट्स जो हमने पकड़े हैं, वो उनकी डेस्टिनेशन जो थी वो रेस्ट ऑफ इंडिया थी एंड ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई थी वो जी। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, उड़ता पंजाब तो खैर मैं नहीं मानता कि हमारा जम्मू या कश्मीर उस लेवल तक अभी है। पिछले 3-4 साल पहले ट्रेंड काफ़ी भयंकर था, और 3 साल के मतलब मैं 2017 से, मैं चूँकि मैं पहले SP ऑपरेशन भी था, SP साउथ भी रहा हूँ और अभी एंटी नारकोटिक्स मैं देख रहा हूँ जम्मू कश्मीर का, मैंने बड़ा क्लोजली देखा कि ZK पुलिस की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनमें सबसे नंबर वन अगर अव्वल दर्जे की प्राथमिकता किसी इशू को दी जा रही है हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस साहब की तरफ से या बाकी फोर्स के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से, वो है ड्रग्स। ड्रग हमारी टॉप प्रायोरिटी पिछले 3 साल से बनी हुई है जी। अब देखेंगे रोज़ अखबारों के पन्ने अगर देखेंगे कि 5-7 ऐसी खबरें आपको देखने में मिल जाएंगी कि जम्मू खिते में, और इसी तरह की 5-7 खबरें आपको कश्मीर में भी देखने को मिलेंगी जी। अब हम थोड़ा सा इसको अलग पैमाने पे लेके जा रहे हैं। हमें हमारी जो एनालिसिस थी उसने हमें इंडिकेशन ये दी कि ये ड्रग्स जो है सिर्फ ड्रग्स का ही मसला नहीं है, ये कहीं ना कहीं इसका टेररिज्म के साथ भी इसका ताल्लुक है। हमने ये देखा कि वो इलाके कश्मीर के, साउथ कश्मीर हो गया, वो इलाके जहाँ पर मिलिटेंसी ज़्यादा है वहाँ पर इसकी पैदावार ज़्यादा है, और जहाँ पर इनकी पैदावार ज़्यादा है वहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा होगी,
मनी जनरेशन ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, और वही पैसा कहीं ना कहीं मिलिटेंसी को ही सस्टेन करने में मदद करता है। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उसी पैसे को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करती है अपने रिसोर्सेज बनाने में, जिसमें हथियार आ जाएंगे, हथियार के बाद उनको बाकी रिक्रूटमेंट के लिए पैसा चाहिए, बाकी चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा वहाँ इस्तेमाल होता है। और इनडायरेक्टली मिलिटेंट्स इसी चीज़ को जो नारकोटिक की जो प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग है, इनका उसके लिए वो अपना पैट्रोनेज देंगे, जिसको जिस बोले पनाह तरह देंगे। से आप खेप पकड़ रहे हैं, क्या टेररिज्म पर भी एक नकेल कसी जा रही है इस वजह से? मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि अब हमने ये देखा कि अगर आप ड्रग्स को लाइट लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप मिलिटेंसी को इग्नोर कर रहे हैं, मिलिटेंसी का इसका जो एंगल है उसको इग्नोर कर रहे हो। अगर आप इस पर सख्ती कर रहे हैं और अगर आपकी ये टॉप प्रायोरिटी बन गई है और अगर आप इसमें कामयाबियां बैक टू बैक हासिल करते हैं, कहीं ना कहीं आप मिलिटेंसी को एक बहुत बड़ा डेंट, बहुत बड़ा नुकसान आप पहुँचा रहे हैं। और यानी कि मिलिटेंसी की जंग के अगेंस्ट ये बहुत बड़ी एक विक्ट्री होगी अगर आप ड्रग्स जो है यहाँ पर ख़त्म कर पाए। जी, जिस तरह से देखा जाता है ऑपरेशन संजीवनी जो यहाँ पर एक वरदान के रूप में साबित हुआ था, किस तरह से नकेल कसी जा रही थी, किस तरह से अगर देखा जाए युवाओं को रोका जा रहा था, जो भी कोई सप्लाई भी कर रहा था उसको भी पकड़ा जा रहा था, क्या ऑपरेशन संजीवनी जम्मू में, जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी में अब यूटी बन चुका है, क्या ऐसा ऑपरेशन हर जगह पर चलाया जा रहा है, हर जगह पर चलाना ज़रूरी है इस समय? देखिए, जो जंग है ना इसके ड्रग्स के ख़िलाफ़, हर एक डिस्ट्रिक्ट एसपी उसको अपना एक नया नाम देने की कोशिश करता है, लेकिन सारे डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ की, सारी पुलिस पूरे महकमे की ये टॉप प्रायोरिटी है। जम्मू पुलिस ने इसको नाम ऑपरेशन संजीवनी दिया था। मुझे याद है 2017 में हमारे सुनील गुप्ता साहब जब एसएसपी जम्मू थे, तो उन्होंने जो ड्रग्स के खिलाफ हमारे जो ऑपरेशन हुआ करते थे उनका एक अम्ब्रेला नेम उसको दिया था, ऑपरेशन संजीवनी। जैसे अवतार, ऑपरेशन अवतार जो था वो एंटी व्हीकल थेफ्ट जो थे उनके खिलाफ जो ऑपरेशन हम लॉन्च करते थे वो अवतार था। अवतार के बाद ऑपरेशन कामधेनु था जो बोवाइन स्मगलिंग के खिलाफ, तो कुछ ऑपरेशंस के नाम हमने दिए थे। और ऑपरेशन संजीवनी जो नाम था वो बड़ा ज़्यादा छाया और चर्चा में भी रहा, क्योंकि उसमें बड़ी कामयाबी भी मिली और लोगों ने इस ऑपरेशन में लोगों ने भी बड़ा सहयोग किया। और 2017 के बाद ड्रग्स का काफ़ी पैटर्न और ट्रेंड में चेंज आया है। कहीं ना कहीं हमने जो बड़े सप्लायर्स थे, जो बड़े यहाँ के कारोबारी थे, उनको हमने PSAs में या उनके खिलाफ उनको सलाखों के पीछे भेजा है। कन्विक्शंस हासिल करने में हमारा जो ग्राफ है काफ़ी ऊपर गया है। पिछले दिनों आप देखेंगे कि करीबन 17 लोग पिछले 3 महीने में PSA हुए हैं, यानी PSA यानी साल 2 साल के लिए, तो सलाखों के पीछे हैं। तो सिर्फ वो हम उतने ही लोगों को ही पीछे नहीं करते, यानी कि एक सोच और एक मानसिकता जो है उसको हम PSA करवाते हैं। उस तरह की सोच रखने वाले लोग जो हैं उनके लिए, यानी एक को अगर आपने हार्श अगर पनिशमेंट एंश्योर कर दी, तो बाकी के लोग जिनमें वो टेंडेंसीज हैं या वल्नरेबिलिटी हैं, या जिनको लगता है कि हम इस कारोबार की तरफ जाएं, हम उनको कहीं ना कहीं डेटर करने के लिए कामयाब होते हैं। युवाओं को भी रोकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और पुलिस इसमें सबसे आगे नंबर पर नज़र आती है। बट अगर बात की जाए जम्मू यूनिवर्सिटी की, तो जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र कहीं ना कहीं नज़र आता है कि ये सब करते हुए नज़र आते हैं, उन पर किस तरह से पकड़ बना रहे हैं इस समय? अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात की जाए, किस तरह से देखती है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों को, क्योंकि वो आने वाला भविष्य है? देखिए, जम्मू यूनिवर्सिटी में तो इस तरह का कोई बड़ा, जिस तरह से आप नाम ले रहे हैं, हमारा यहाँ पे स्टूडेंट जो है, यूथ जो है, अभी काफ़ी हद तक बचा हुआ है, इंक्लूडिंग अवर यूनिवर्सिटी। और उस तरह का चलन नहीं है जिस तरह का पंजाब में रहा है। हमारा यूथ रादर बड़ा पॉजिटिव रहा है, हमें बहुत अच्छी इनपुट्स आती हैं। जितने स्टूडेंट लीडर्स हैं, यूथ के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या फिर वो बच्चे जिनको लगता है कि ये एक बुरी चीज़ है और हमें पुलिस का सहयोग करना चाहिए, वो किसी न किसी तरीके से, यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि लोग हमें सीक्रेट रिपोर्ट्स देने के लिए ही सिर्फ उसी चैनल का इस्तेमाल करते हैं। लोग शरेआम, लोग खुलेआम हमारे पास आते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। लोग नुक्कड़ शोज़ मंडी, आपने देखा इस तरह के जिस नुक्कड़ शोज़ प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, जाके अवेयरनेस प्रोग्राम स्टूडेंट्स खुद लॉन्च करते हैं। और यहाँ के स्टूडेंट का, जम्मू के स्टूडेंट्स का मैंने देखा कि उनका भी, जैसे पुलिस का अगर ये टॉप प्रायोरिटी है, तो उनका भी कहीं ना कहीं ये टॉप प्रायोरिटी है। अगर जब भी हमने आज तक कॉलेजेस में, स्कूल्स में कभी भी किसी भी रूप में विजिट किया है, तो उन्होंने इस इशू की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा है कि वी विल प्रोवाइड यू ऑल द कोऑपरेशन, और मिलता भी है। मैं उसके लिए यूथ को मुबारक दूंगा, खासकर जम्मू के जितने भी यूथ हैं। और मैं चाहूँगा कि
यूथ को मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि वो लोग जो इस बुराई में चले गए, सरकार और कोर्ट्स, हमारा जो कानून है और हमारी सरकार जो है ड्रग एडिक्ट्स को एज हम क्रिमिनल्स ट्रीट नहीं करते, हम उनको अभी भी विक्टिम ही मानते हैं और क्रिमिनल्स हम जो स्मगलर्स हैं, जो ड्रग सप्लायर्स हैं, वो क्रिमिनल्स हैं हमारी नज़र में। और उन लोगों के लिए मिनिमम 10 साल की सज़ा, और जो दूसरी बार कमर्शियल क्वांटिटी के साथ पकड़ा जाता है उसको फांसी की सज़ा है, और बड़ी सख्त उनके लिए प्रोविजंस हैं। जहाँ तक एडिक्ट्स का ताल्लुक है वहाँ पर हम बड़ी एक कंपैशनेट अप्रोच रखते हैं, हमारी कोर्ट्स की भी ये कोशिश रहती है और उसमें गुंजाइश भी है कानून में कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट जो है वो खुद ही जाके हमें बताता है कि सर मैं इसमें ट्रैप हो चुका हूँ, मेरी मदद करें, हमारे पास ड्रग एडिक्शन सेंटर्स हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं। अगर सपोज कर हम किसी ऐसे ड्रग एडिक्ट को पकड़ लेते हैं और उनके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई भी हो गई तो कोर्ट्स वहाँ भी गुंजाइश उनको उनके लिए छोड़ती है कि अगर आप रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में जाना चाहते हो तो आपको हम बेल दे देंगे या आपकी जो सजा है उसको माफ़ी कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो है पूरे का पूरा 1 महीने का 2 महीने 6 महीने जितना भी है वो आपको पूरा अटेंड करना होगा। और इन केस अगर वो पूरी तरह से अटेंड नहीं करता है तो उसको वापस फिर से सलाखों के पीछे जाना होगा। जी, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है अब यहाँ के युवाओं को भी और जो जिनको एडिक्ट बनाया जा रहा है उनको भी। पर सर मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, ये आखिरी सवाल आपकी अब जो लाइन है उससे नहीं बनता, बट SP साउथ आप रहे हैं, क्राइम से ध्यान आपका रहता ही था कि आखिरकार जहाँ क्राइम हो रहा है मैं पहुँचूँ और वहाँ पर सब कुछ कंट्रोल कर लूँ, बट आपको नहीं लग रहा कि आहिस्ता आहिस्ता क्राइम रेट जो है जम्मू कश्मीर का वो बढ़ रहा है, कि मर्डर जो हैं वो आराम से सुनाई दे रही हैं, रेप सुनाई दे रही हैं, क्या ये चीज़ें अब लगातार बढ़ रही हैं या थोड़ा सा अभी इस पर कंट्रोल है? जम्मू पुलिस जो है बड़ी परफॉर्मेंस जो आप देखेंगे कंसिस्टेंटली बड़ी अच्छी, उन्होंने क्रिमिनल्स के खिलाफ तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले मैं तो 2002 से ही फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 2001 में इस महकमे में आया था, हमारी टॉप प्रायोरिटी रही है। और जम्मू में क्राइम और क्रिमिनल गैंग्स आप देख नहीं पाएंगे कि किसी भी क्रिमिनल गैंग ने यहाँ पर सर उठाने की हिम्मत की या ज़्यादा देर सर्वाइव कर पाया। वो लोग जो उनको ग्लोरी देने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया में या वगैरह वगैरह, उनको भी ये पता है कि इन लोगों की लाइफ जो है बड़ी ज़्यादा लंबी है नहीं, और ये क्राइम और क्रिमिनल की हमारी सोसाइटी, खासकर पुलिस की मैं बात नहीं करूँगा, हमारी सोसाइटी इसके लिए ज़्यादा गुंजाइश यहाँ छोड़ती नहीं है। जम्मू के लोग इस चीज़ को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बर्दाश्त भी नहीं करते हैं, तो यहाँ कोई बड़ा क्राइम और क्रिमिनल गैंग उस तरह का नेटवर्क नहीं है। बीच में इक्का दुक्का इस तरह के केसेस हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जम्मू धीरे धीरे हमारा कैपिटल है और आप देखें यहाँ पर हर तरह के हर एक ज़िला के लोग अल्टीमेटली पसंद करते हैं यहीं पे रहना, यहीं पे सेटल होना, और दिन ब दिन ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे जैसे लाइफ फास्ट होगी क्राइम रेट जो है वो भी लगता है लोगों के, क्राइम रेट जम्मू का ओवरऑल एवरेज क्राइम रेट जो है वो बड़ा है पिछले साल के, वो जाहिर सी बात है। लेकिन मसला ये है कि पर कैपिटा क्रिमिनल्स जो हैं या पर कैपिटा क्राइम रेट या टोटल नंबर ऑफ़ FIRs जो है किसी एक पैटर्न को अगर आप इंडिकेट करें तो उस तरह से ना रेप, ना मर्डर्स, ना इस तरह के कोई हीनियस क्राइम्स या बड़ी डकैतीज वगैरह वगैरह या रॉबरीज वगैरह यहाँ पर होती नहीं है। और जब जब भी हुई हैं, जब जब भी कोई इस तरह के हाई प्रोफाइल या किसी भी सेंसेशनल कोई या सेंसिटिव केस कभी भी हुआ है, पुलिस ने आज तक उसको कभी भी ब्लाइंड नहीं रहने दिया, और जो भी मुलजम थे वो सलाखों के पीछे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, ना ही सिर्फ हमारे लिए बल्कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विनय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने पूरी जानकारी भी दी और आहिस्ता आहिस्ता जो खेप पकड़ी जा रही है उस पर भी बातचीत की है। बट आपको इस समय बताते चलें कि अगर पुलिस ये कर रही है तो उसमें सहयोग आपका भी उतना ही चाहिए। अगर आपको कहीं लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और पुलिस को आपको बताना ज़रूरी है तो संकोच मत कीजिए, पुलिस के पास जाइए ताकि इस पर नकेल कसी जा सके, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे देश के युवाओं को खोखला कर रहा है। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और दीपक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।